सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप CCC NIELTS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CCC इसका ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं 2022 के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना CCC का ऑनलाइन फॉर्म फरवरी 2022 के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको NIELTS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल साइट खोल लेना है। तो दोस्तों, आपको अपना फॉर्म फिल करने की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट CCC, तो यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। तो आपको यहां पर आपको हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर एनरोल विथ NIELTS, तो यहाँ पर आपके पास में पहले से अगर एनरोलमेंट नंबर है तो आप यस करके यहाँ पर उसकी डिटेल दे सकते हैं, नहीं है तो नो पर टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या आपने पहले CCC परीक्षा के लिए आवेदन किया है, अगर किया है तो आप यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो नो पर टिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेंट फुल नेम, तो यहाँ से आपको अपना एप्लीकेंट फुल नेम सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर श्री MS सुश्री या अन्य, तो यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस बॉक्स में अपना फुल नेम डाल देंगे। यहाँ पर आपको केयर ऑफ देखभाल, यहाँ पर दोस्तों आपकी देखभाल पेरेंट्स ने की है या गार्जियन संरक्षक, तो यहाँ पर आप पेरेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद में फादर्स नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपके फादर्स का नेम डालना है इस बॉक्स में। यहाँ पर आपका मदर्स नेम आ जाएगा इस बॉक्स में। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे मैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इस कैलेंडर पर क्लिक करना है, यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी वर्ग, यहाँ से आप जनरल हो, SC ST OBC जो भी कैटेगरी हो वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपका व्यवसाय में क्या करते हैं, सरकारी कर्मचारी है या सेल्फ एम्प्लॉय या अन्य, तो यहाँ पर आप इनमें से नहीं हो तो अन्य कर सकते हैं। उसके बाद में अगर डिसेबिलिटी में आते हैं तो यस करके यहाँ से उसकी डिटेल दे सकते हो, अगर नहीं आते हो तो आपको नो पर टिक करना है। EWS में आते हो तो आप यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फ़ोन विथ STT कोड, अगर आपके पास में STT कोड के साथ में लैंडलाइन नंबर है तो वो दे सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर अपनी वैलिड ईमेल ID डाल देना है, और यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल पता विवरण, यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, 3, यहाँ पर अपना पूरा फुल एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर सिटी का नाम आ जाएगा, यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, आप जो भी राज्य से फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो यहां से अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहां पर अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहां पर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद में दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता, तो यहां से आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ से सेलेक्ट करना है, आप ग्रेजुएशन और हायर है या पॉलिटेक्निक है या टेंथ पास 12th पास 10th ITI, तो यहां से आप सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो। यहां पर जैसे आपने ग्रेजुएशन है सेलेक्ट किया है तो ग्रेजुएशन का उत्तीर्ण वर्ष आ जाएगा इस बॉक्स में। यहां पर आपको एग्जामिनेशन डिटेल, तो यहां से अप्लाई किसके रूप में आवेदन किया, यहाँ पर आप डायरेक्ट आवेदन कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, किस परीक्षा के लिए आवेदन किया, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट एग्ज़ाम नेम, तो यहाँ पर दोस्तों फरवरी 2022 के लिए ये फॉर्म है, तो यहाँ पर आपको फरवरी 2022 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एग्ज़ामिनेशन लोकेशन केंद्र, यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपनी
सिलेक्शन लोकेशन, इनमें से सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एग्जामिनेशन लोकेशन टू, तो यहाँ भी आपको सेकंड में भी अपना एग्ज़ाम सेंटर सिटी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आपका आधार नंबर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं आधार नंबर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड फोटोग्राफ, तो यहाँ से आपको अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लेना है। चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपका जो फ़ोटो का साइज़ रहेगा 5 से 50 KB के बीच में, आपका फ़ोटो का साइज़ 5 से 50 KB के बीच में होगा तो अपलोड हो जाएगा। इसका साइज़ आपका जो दिया हुआ है सब देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको अपलोड सिग्नेचर, यहाँ से सिग्नेचर का साइज़ 5 से 20 KB रहेगा। यहाँ पर आपका अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो जो जिसका साइज़ 5 से 20 KB रहेगा, तो यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो साइन और थंब अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर और लेफ्ट थंब ये इस तरीके से आपको अपलोड कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है, आपका साइज़ का ध्यान देना है 5 से 20 KB रहेगा इसका, जो कि पिक्सल में 132x170 पिक्सल, जो कि 96 से 300 DPI के बीच में आपको स्कैन करना है। तो इस तरीके से आप इसका साइज़ बना के अपलोड कर देना है तो आसानी से अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन इस बॉक्स पे आपको टिक कर देना है यहाँ पर और सबमिट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, एप्लीकेशन डेट एंड टाइम, यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो सारे देखने को मिल जाएगी। तो आपको फाइनली एक बार आपकी डिटेल जो है वो चेकआउट कर लेना है कि आपने जो डिटेल फिल की वो एकदम सही है। अगर आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पेमेंट डिटेल, तो यहाँ पर आपकी जो फ़ीस है यहाँ पर पेमेंट मोड नोट पैड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप जैसे अपने फॉर्म की पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर 590 रुपये की पेमेंट करना है। तो आप भुगतान संख्या यहाँ पर आपकी जनरेट हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल, तो यहाँ पर क्लिक टू प्रिंट द फॉर्म, यहाँ से आप प्रिंट करके इस फॉर्म को प्रिंट रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको दोस्तों पेमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पर आप, यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पर लिखा रहेगा यहाँ पर, जो कि 3C फरवरी 2022 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आप कंप्यूटर अवधारणाओं पर कोर्स फरवरी 2022 परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपका जो है डिमांड नोट संख्या, डिमांड तिथि, भुगतान की तिथि, ये सारी चीज़ देखने को आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको CSC के माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं या NEFT या RTGS या ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पे ऑनलाइन इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्रेडिट, यहाँ से आपको डेबिट कार्ड से करना हो अपने ATM कार्ड से, तो यहाँ पर कार्ड की कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर कार्ड की डिटेल डालेंगे, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम डालेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही आप अपने फॉर्म की पेमेंट करेंगे तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो उसे आप प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप जैसे अपने फॉर्म की पेमेंट करेंगे तो आपका जो प्रिंट आउट है वो निकल जाएगा, तो उसे आप सेव करके रख लेना है अपने पास में। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC 2022 फरवरी 2022 के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस प्रकार से फिल कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।